देश के इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो अब मिस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बन गए हैं, आदरणीय प्रकाश जावड़ेकर जी अपना राजनीतिक संतुलन खो बैठे हैं। श्री राहुल गांधी ने आज सुबह ही कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग थे, भारत का अभिन्न अंग हैं और सदैव भारत का अभिन्न अंग रहेंगे। पूरी दुनिया में किसी व्यक्ति या समूह या देश को समेत पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरफ आंख उठाकर देखने की इजाजत नहीं, क्योंकि ये भारत का अभिन्न अंग है। श्री राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो हिंसा हो रही है, उस हिंसा का जनक पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान की सरजमी पर वहां की मिलिट्री और सरकार के द्वारा भारत विरोधी गतिविधि और टेरर एक्टिविटीज पनपाई जाती हैं एक षड्यंत्र के तहत। दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की सरकार को इस पर भी एतराज है। क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पूरा देश एक स्वर में खड़ा हो? और सबसे जुम्मेवार विपक्षी नेता के तौर पर श्री राहुल गांधी ने कहा कि पाकिस्तान समेत किसी देश को हमारे मामलों में दखलअंदाजी का अधिकार नहीं। अब उस पर भी राजनीति, कितना और गिर जाएगी भारतीय जनता पार्टी, अपना राजनीतिक स्तर कितना और गिराएगी? कम से कम अगर उन्हें इसका थोड़ा सा भी एहसास है तो आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तो एक कदम और आगे बढ़कर राहुल जी के बयान के बाद ये स्पष्ट तौर से कहा कि पाकिस्तान को पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, गिलगित, हुंजा और बाल्टिस्तान में जिस प्रकार से मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, आए दिन हत्याएं हो रही हैं, पाकिस्तान को पूरे देश और दुनिया को जवाब देना चाहिए। हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान ये जवाब भी दे कि 70 मिलियन यानी 7 करोड़ से अधिक जो मुजाहिर्स हैं, जिनमें से 25,000 की पिछले 2 दशक में हत्याएं हो चुकी, उनके मानव अधिकारों के हनन के बारे में पाकिस्तान सामने आकर अपनी एक्सप्लेनेशन और बयान क्यों नहीं देता? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हम ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में जिस प्रकार से ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, जिस प्रकार से मास ग्रेव्स मिली हैं, जो कई एजेंसियों ने और समूहों ने कहा, उसके बारे में आज तक पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को या अपने देश के अंदर एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा क्यों? पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि बलूचिस्तान अवामी मूवमेंट के 128 लोगों को किस प्रकार एक दर्दनाक इंसिडेंट में उग्रवाद से उनको बम से उड़ा दिया गया 13 जुलाई 2018 को। उस पर पाकिस्तान अपना बयान क्यों नहीं देता कि वो सारे उग्रवादियों को किस प्रकार से वो वहां पनप रहे हैं? और हमने ये भी कहा कि पाकिस्तान ने पश्तून के इलाके में, जो ट्राइबल इलाका है पाकिस्तान का, वहां जिस प्रकार से पाकिस्तान की फौज के द्वारा वहां के नागरिकों को मारा जा रहा है, उन पर हमला किया जा रहा है, उनके मानव अधिकारों का हनन किया जा रहा है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान से इसका जवाब मांगना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, सच्चाई ये है कि इस दुनिया में जितने भी उग्रवादी संगठन हैं, उनकी जननी और जनक कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। अलकायदा हो, लश्कर ए तैयबा हो, हिजबुल मुजाहिदीन हो, तालिबान हो, जैश ए मोहम्मद हो या दूसरे उग्रवादी संगठन हो, ये सब पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की सरकार के देख रेख में पनपते हैं और फिर भारत सहित पूरी दुनिया के अंदर उग्रवाद फैलाते हैं। इसलिए एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मन से हम पाकिस्तान को चेताते हैं, बाज आ जाइए और कभी भारत के आंतरिक मामलों के अंदर दखलअंदाजी करने का की जरूरत या दुस्साहस मत करिएगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके आदरणीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी को भी कहते हैं कि अगर भारत के प्रति आपके मन में प्रेम और आदर का भाव है, तो फिर कम से कम पूरा देश, जब समूचा देश इकट्ठा होकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाहरी दखलअंदाजी के खिलाफ खड़ा है, तो उसको भी सस्ती राजनीति, ओछी राजनीति का एजेंडा मत बनाएं, क्योंकि ये देश विरोधी होगा। धन्यवाद। आज पूरे देश का हर न्याय पसंद व्यक्ति
संविधान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति, संविधान की गरिमा और उसकी परिपाटी को समझने वाला व्यक्ति स्तब्ध भी है और कहीं ना कहीं उसके मन में खेद का एक भाव भी है। क्या अब न्यायपालिका की निष्पक्षता का ये मापदंड और पैमाना बन गया है? वो न्यायपालिका जो संविधान की रक्षा के लिए मशहूर है, वो न्यायपालिका जो सरकार के हुक्मरानों के जुल्मों के खिलाफ खड़े होकर जनता को न्याय देने के लिए मशहूर है, वो न्यायपालिका जो संविधान के प्रहरी बनकर संविधान की रक्षा करते हैं, अगर वही कहीं ना कहीं दशा और दिशा भटक जाएंगे तो फिर इसका परिणाम क्या होगा पूरे देश और देश के संविधान के लिए, ये मैं उस माननीय महोदय के अंतर मन पर छोड़ता हूँ। ज़रूर इसका आंकलन सरकार को भी करना चाहिए और हर एक व्यक्ति को जिसका संविधान और न्याय में विश्वास है। टू से वेरी वेरी ब्रीफली इन इंग्लिश, द एंटायर कंट्री वॉज स्टंड टूडे, ईच इंडिविजुअल हु बिलीव्स इन द सेंस ऑफ जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ वॉज शॉक्ड, एवरीबॉडी who swears by constitution as the soul of India was deeply distressed by the manner and fashion in which for 7 months first a judgment was remained reserved, was delivered 2 days before retirement and 48 hours thereafter two leaves apart, the person is reappointed to an important post. Is this the fairness of judiciary that we always spoke about? Is this the neutrality of judiciary in the face of onslaught by the powers that are, that our constitution makers conceived of? Is this the fair play and sense of justice that each one of us swears by in our soul as also written in our constitution? I urge every Indian, as an Indian, to look within, as also the individual concerned to look within, as also the government to introspect as to how their actions are now currently being viewed. Thank you. यानी मुझे कभी कभी लगता है वायनाड से जीते तो सोच भी बदली। सर आपने ये कहा कि वायनाड से जीते तो सोच भी बदली, इसको थोड़ा सा विस्तार नहीं, विस्तार से नहीं, यानी मुझे आश्चर्य लगता है वोट बैंक पॉलिटिक्स कहां तक जाएगी बाबा। ऐसा है, अमेठी से जीतते थे तब ऐसा नहीं बोलते थे, ऐसा ही बोलते थे। सवाल का आप बोल रहे थे, वायनाड से जीत के सोच भी बदल गया। अरे सीट बदली तो बदली उनकी।